तो आप सबका बहुत खैर मकदम है, सुनीला जी का बहुत खैर मकदम है, बहुत शुक्रिया टू अग्री टू परफॉर्म फॉर अस टुडे आज। और बहुत सारे गज़लें हैं, कुछ कजरियाँ, कुछ की सावन से मुताल्लिक चीज़ें सुनीला जी आज पेश करेंगी। साथ में अबरार हैं और आयुष हैं, दो लोग आपके साथ में हैं। मैं विनीता मिश्रा जी से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप इंट्रोड्यूस करें सुनीला जी को और आज के इस परफॉर्मेंस की शुरुआत करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। तो सावन की बहार, आप लोग देख रहे हैं कि सावन का रंग महफिल शुरू होने से पहले नजर आने लगा है शहर में। सावन की बहार, जैसे अभी आप लोगों को पता चल गया कि लखनऊ बाइस को सनत कदा और नेमत खाना की ओर से ये महफिल सजाई गई है और सुनीला जी इस महफिल में बरसे बदरिया इस शीर्षक के साथ अपना प्रोग्राम लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। बरसात का मौसम हमारे यहाँ चौमासा कहलाता है, चार मास की बरसात होती है। चौमासे का पहला मास आषाढ़, अगर बरखा की फुहार की चिट्ठी लेकर आता है तो सावन आता है, श्रावण की वर्षा ऋतु की असली सौगात लेकर, जिसमें बादलों की गरज का श्रवण है और उसकी बरस का आनंद है। श्रावण मास 12 मासों में से पांचवा मास है और संगीत के पांचवें स्वर पंचम की भांति ही अपना विशेष महत्व रखता है। एक शक्तिशाली मास माना जाता है, जैसे पंचम एक शक्तिशाली सुर माना जाता है। शिव के तांडव के नाद से उत्पन्न संगीत इस श्रावण मास को एक खास दर्जा प्रदान करता है। इसमें ना सिर्फ गरज बरस की बौछार का श्रवण है बल्कि शंकर शंभु के नाद से उत्पन्न संगीत के सुरों का भी श्रवण है। ये मास अपने साथ सुर लय ताल को बादल बिजली बरखा के रूप में ऐसा संगम लेकर आता है कि उस रस की फुहार में सबके तन और मन भीग जाना चाहते हैं। बरसे बदरिया कार्यक्रम में स्वर साधिका सुनीला धनेश्वर हमें उसी आनंद वर्षा की बौछार में भिगो देने को तैयार है। सुनीला धनेश्वर जी का तारुफ कराने के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि दुनिया में ज्यादातर दो तरह के सफल लोग मिलते हैं, एक अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लेते हैं और एक अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। पर कुछ बिरले लोग ही ऐसे होते हैं जो अलग अलग प्रोफेशन और पैशन दोनों में उतने ही समर्पित और उतने ही सफल। ऐसी ही एक बेहतरीन शख्सियत है हमारी आज की कलाकार प्रोफेसर डॉक्टर सुनीला धनेश्वर। आप बाय प्रोफेशन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, साथ ही डिप्टी डीन ऑफ रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे वैज्ञानिक पद की भी शोभा बढ़ाती हैं। आप प्रोफेसर के रूप में मेडिसिनल केमिस्ट्री जैसे विशेष विषय पर महारत हासिल रखती हैं। अपने एकेडमिक करियर में यदि वे 30 वर्षों से जुटी हुई हैं तो संगीत के करियर में वो 40 सालों से अपनी परफॉर्मेंस दे रही हैं। कला के प्रति पैशन और जज्बा किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता बल्कि वो आपकी लगन और साधना से आपको महारत हासिल कराता है, निपुणता प्रदान करता है। डॉक्टर सुनीला धनेश्वर भी अपने आप को काबिल गुरुओं की संगत में रखते हुए आज भी स्वयं को प्रशिक्षित कर रही हैं। आप सूरमणि शरद सुतवनी, सूरमणि प्रभाकर धाकरे और पंडित संजीव शिंदे जी की शागिर्दी में रहकर यह संगीत साधना आज भी जारी रखे हुए हैं। आपने केवल 8 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो नागपुर से अपनी पहली प्रस्तुति दी थी और ये सफर ऑल इंडिया रेडियो नागपुर पुणे इंदौर और लखनऊ के साथ आज भी जारी है। आपके सुगम संगीत के 2 एल्बम पहाड़ द्वारा और अमृत वर्षा के 2 वॉल्यूम टाइम म्यूजिक के साथ रिकॉर्ड होकर जारी हो चुके हैं। आप कई बार मंच से सोलो गजल परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। आज सनत कदा की ओर से सजाए गए सावन की बहार के मंच पर आप बरसे बदरिया के रूप में अपनी कला साधना के द्वारा सावन के विभिन्न रंग रस से आपको सराबोर करने पधारे हैं। आपके साथ संगत कर रहे हैं
गिटार पर श्री अपराध पांडे जी और उर्दू प्रकर्शन पर श्री आयुष गुप्ता जी। सावन के रंग का पहला खुमार है बादल। ये सावन का महीना और उसके ये दीवाने बादल, चलिए बादलों की इस दीवानगी को सुरों के जरिए ही समझते हैं। ये दीवानगी हमें मोहब्बत से भी रूबरू कराएगी और दुनियावी फलसफे से भी, क्योंकि लीला पासली साहब फरमा गए हैं, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। ओवर टू सुदीना जी। बरसात का बादल तो, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस राह से बचना को भी भिगोना है, दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो ये मौसम की दीवानगी पहले पहल जब चढ़ती है तो कुछ खूबसूरत से मंजर भी याद बनकर जहन में रह जाते हैं और गाहे बगाहे वही याद आते रहते हैं। सावन की रुत सुहानी शामें, बहारों के मौसम रूप की रानी और झूलों की कहानी, बादल का खेतों पर झुकना और खेतों में गोड़ी पर लहराती चूनर खानी। तो चलिए इसी मस्तानेपन से जुड़कर हम भी कुछ उन मंजरों को याद करके और उन्हीं में खो जाते हैं। हसरत जयपुरी साहब के द्वारा लिखे गए सावन के सुहाने मौसम में
एक रूप की रानी याद आई, वो बाग का मंजर याद आया, झूलों की कहानी याद आई। झूलों
जामे और मंजर ही याद नहीं आए, सावन रुत की पवन कुछ ऐसी चली कि तुम याद आए। केवल कोयल की कूक ही नहीं, कागा की बोली भी टीस उठाती है, क्योंकि वो तुम्हारे आने की खबर लेकर आती है। पर ये क्या, काग के जरिए आने वाला ये संदेशा तो झूठा ही निकला। तुम याद तो आए पर तुम नहीं आए। तुम्हारा रास्ता देखते देखते सुबह से शाम हो गई, दीवारों की धूप ढल के तमाम हो गई, फिर भी तुम मुझ तक बस याद बन कर ही आए। नासिर काजमी साहब की गजल अब सुनीरा जी आपके सामने पेश कर रही हैं। बहुत खूब सुनीला जी,
आप लोग एक किस्सा सभी लोग जानते होंगे लता मंगेशकर जी से, जब उनकी गायकी को लेकर के यूसुफ साहब ने कहा था कि उनकी गायकी में तो दाल भात की खुशबू आती है मराठी सिंगर्स के लिए, ऐसा उन्होंने बोला था। और इससे दो चार हमारी सुनीला जी को भी होना पड़ा। और आप लोग को जानकर ये खुशी होगी कि उन्होंने गायकी के हुनर सीखने के लिए गुरुओं का भी सहारा लिया, और अपनी उर्दू को अच्छा करने के लिए उन्होंने उर्दू की भी बाकायदे शिक्षा ली, उसको सीखा, समझा, उसके उच्चारण को जाना। तो बहुत खूब सुनीला जी। और सावन आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, पर साजन के बिना सावन, विरह का सावन कोई सावन नहीं होता। सावन तो झूम के तभी बरसता है जब प्यार भरे दो दिल बादल की तरह टूट कर बरस पड़ते हैं। और असली बरसात भी तभी होती है जब प्रेम के रस की बरसात होती है। उस प्रेम रस की बरखा में संगीत के सुर ऐसे घुल जाते हैं कि सात सुरों से प्रेमी और प्रेमिका की तरह सारे और पानी मिल करके हम सबको प्यार के रंग में डुबो देते हैं। तो इरशाद कामिल जी का ये खूबसूरत चाहत से पगा हुआ गीत, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। I can see smiles on all the faces that finally I am singing some popular song. Thank you for all those happy expressions. अनजाने ही तेरे नैनों से
चंदा कोटा पूरा तूने है जिंदगी तेरे हाथों में पलकों पे झिलमिलारे हैं आना भरी बरसातों में चंदा कोटा पूरा तूने के लिए तो खुलकर तालियां बजानी चाहिए आप लोगों को। धीरे धीरे जिंदगी यूं ही चलती रहती है और इंसान को सब कुछ हासिल हो जाता है, वो सब कुछ पा जाता है। जब सब कुछ हाथ आ जाता है तब चाहत मिट जाती है। चाहत मिट जाती है दौलत की, शोहरत की, और जिसके पीछे हम भागते हैं, जिसे हासिल कर लेते हैं, एक दिन वही हमारे लिए बेमानी हो जाता है। जिंदगी के इन जज्बातों को सुदर्शन पाठक जी ने बड़ी ही खूबसूरती से पिरोया है और कहा है, क्या कहा है सुनील जी, सही सुनिए। इस गीत के जो अल्फाज हैं काबिले गौर है, बहुत ही सुंदर इसके शब्द हैं, इसलिए मैं इसके तीनों ही अंतरे गाने की कोशिश करूँगी। इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी, बचपन की, तो हमारी बहुत सारी यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आइए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब भी मेरे साथ गाएंगे। स्थाई भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का साल, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुरियों में सदियों का फेरा, बुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती,
वो बारिश का पानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। कभी रेत की ऊंचे टीलों पे जाना, घरों दे बनाना बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों की लोनों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। थैंक यू सो मच। हमारा ऑडियंस इतना ज़्यादा सुरीला है, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। तो पहले ये बताइए कि कौन कौन अपने बचपन की दुनिया में सैर करके आया, और किस किस के मन में सिहरन नहीं हुई, और किस किस के रोंगटे आज खड़े नहीं हो गए। बहुत खूबसूरत थी और उतना ही सुंदर सुनीला जी ने आप लोगों के साथ मिलकर समा बांधा। आप लोग जानते होंगे कि हमारे अवध क्षेत्र में सावन को लेकर के एक बड़ी पुरानी परंपरा चली आ रही है, जब बेटियों को अपने मायके की याद सताती है और वो मायके बुलवाई जाती हैं, भेजी जाती हैं, बहुत सारे गीत हैं इससे संबंधित भी, तो एक पारंपरिक बंदिश भी होनी ही चाहिए। बेटियों के साथ ये असमंजस की स्थिति होती है कि अगर मायके नहीं जाती हैं तो सखियों और बाबू की याद सताती है, और चली जाती हैं तो पिया की याद सताती है। बहरहाल एक पारंपरिक बंदिश को सुनते हैं हम सुनीला धनेश्वर जी से। सावन भी तो जाए प्यारे वा, सावन भी तो जाए प्यारे वा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐ सुबह पर सो गए हर देश पिया तुम, शहर हमें नहीं आए, शहर हमें नहीं आए,
सुंदर सुनीला जी, प्यार करने वाले सारे जतन करके हार जाते हैं तो एक ही रास्ता बचता है कि अपने आप को महबूब के हवाले कर दो। अब उनका ऐसा मानना है कि महबूब की पनाह में उन्हें सुकून हासिल होगा और उसके महबूब की मेहरबानी ही उनके वजूद को बचाने में मददगार साबित होगी। तो देखिए अब ये महबूब अपने महबूब से क्या चाहता है और क्या मांगता है।
प्रेम वरवरतानी जी की कलम से कभी तो खुल के बरस अब भी नहीं बाँ की तरह मेरा वजूद है जलते हुए निकाह की तरह कभी तो खुल जलते हुए मकान
की बात हुई तो मुझे एक मुहावरा याद आ गया, क्योंकि सावन से हमारी कहावतें और मुहावरे भी बचे नहीं हैं। का बरखा जब कृषि सुखाने, और सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है, या फिर न सावन सूखे न भादो हरे। तो सारे प्यार के प्रेमियों के सारे रंग सुनीला जी ने आपको यहाँ दिखा दिए हैं, और हम फिर परंपरा की ओर लौटते हैं। परंपरा सावन में परंपरा की बात ना हो तो वो सावन फीका ही लगता है। झूले ना पड़े, अमराई में झूले हों, बूंदें बरस रही हों, और उन बूंदों में साजन के बिना जिया बेकरार ना हो, तो सावन फीका ही है। तो एक पारंपरिक बंदिश जिसे आप सभी ने गुलाम अली साहब के आवाज़ में सुन रखा है, आज वही बंदिश सुनीला जी हम सबके लिए पेश कर रही हैं। ये बंदिश जो है कजरी है, और मिश्र पीलू राग ने इसे बांधा है, और गुलाम अली साहब ने इसे जिस खूबसूरत तरीके से गाया है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है, मैं अक्सर गज़लें गाती हूँ, लेकिन ये कजरी बहुत ही, इसका कॉम्पोजिशन बहुत ही सुंदर है, तो इसे हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ, बचपन से सुनती आ रही हूँ, तो बिल्कुल अंदर तक, जिसे आप कहते हैं जैसे पिकल होता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो अंदर तक ये गया हुआ है, और बहुत मन कर रहा था कि इसे कहीं गाएं, तो आज कोशिश कर रही हूँ, आपको अच्छा लगेगा ऐसे उम्मीद है। प्रेम हवा है, भीनी भीनी
पारंपरिक बंदिश आप सब पंचन का कई लाख नीक लाख हुए तो जोर से ताली बजा दो। अपने संगीत के सफर में हम आ पहुंचे हैं अंतिम पड़ाव पर, वो दुनिया जो बस हमारे लिए खेलने का एक खिलौना भर थी। आज दिल से ऐसी पुकार निकल रही है, इस दुनिया के हर शख्स को कुछ ना कुछ देने का मन करता है। सावन के बादलों पूरी धरती की प्यास बुझाते, ये दीवाना दिल अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अब उसे सबके लिए मांगने में भी खुशी मिलती है। ये समझ चुका है इस दीवाने की मंजिल आखिर कहाँ है। इस दीवानगी की मंजिल कहीं और नहीं, केवल नादानगी में है। दुनिया की सच्चाई, सच्चा प्रेम और सुकून केवल और केवल प्रार्थना में है, दुआ में है, सबके लिए खुशी मांगने में है। ये दुनिया इतनी मुश्किल भी नहीं, ये बहुत आसान है, अगर हम अपने लिए मांगना छोड़कर सबके लिए मांगना शुरू कर दें। निदा फाजली साहब की दुआ की जैसी गजल के साथ ही हम अपनी महफिल की संपूर्णता की तरफ बढ़ते हैं। सुनिएगा जी। संपूर्णता हो ही नहीं सकती अगर मैं कुछ ना कहूं। ये जो मैं कह रही हूं बहुत जरूरी है मेरे लिए कहना। लखनऊ में जब हम 5 साल पहले पूना से आए तो लखनऊ शहर ने, लखनऊ के लोगों ने बहुत ही प्यार से हमें अपनाया। और लखनऊ में क्योंकि मेरी गज़ल के तरफ बहुत बचपन से मेरा रुझान था, मेरे पिताजी पाकिस्तान रेडियो को ट्यून करते थे और तब से मैं गुलाम अली साहब को सुन रही हूँ। मतलब हम जब बच्चे बॉलीवुड गाने सुनते थे तब मैं गज़लें सुनती थी, कोई गाना बोलो बोले तो गज़ल ही सुनाती थी बचपन में भी। तो लखनऊ आने के बाद यहाँ पर यहाँ के जो सुनकार हैं उनके सामने कुछ पेश करने की बड़ी दिल में तमन्ना थी, बड़ी ख्वाहिश थी। 5 साल से कुछ मैं सोच रही थी कि कहाँ ऐसा मौका मुझे मिलेगा। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ माधवी जी का जिन्होंने ये मौका मुझे दिया और आज मेरा सपना पूरा हो गया ऐसा मैं कह सकती हूँ। क्योंकि आप यहाँ पर जो बैठे हैं उतने प्यार से सब सुन रहे हैं, हौसला अफजाही मेरी कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो विनीता जी हैं जो अपने शब्दों से उन्होंने इतना सुंदर समा बांधा है और दो गज़लों के बीच, दो गानों के बीच इतनी खूबी से वो आप सबका मन बहला रही है। मेरी एक छोटी सी गुजारिश पर उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम चेंज कर लिया, वो दिल्ली में थी, मैंने जस्ट एक फ़ोन कॉल उनको किया कि आप मेरे साथ आएंगी सूत्रधार बन के इस प्रोग्राम में, उन्होंने तुरंत मुझे हाँ कहा, अपने टिकट्स बदलवाए एंड टुडे आफ्टरनून शी वॉज इन लखनऊ। तो आपको मैं शुक्रिया तो नहीं बोलूँगी क्योंकि आप मेरी बहुत प्यारी सखी हैं और आपका प्यार ऐसा ही रहे। गरज बरस प्यार से धरती
गरज बरस प्यासी रहती पर फिर पानी दे मौला। चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़ धानी दे मौला। गरज बरस प्यासी थोड़ी नादानी दे मौला। फिर मंदिर को कोई
नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपने हमें कहीं और ले गए बादलों की तरफ और मोहब्बत और इश्क की तरफ और चूड़ियों और मेहंदी की तरफ, और ये सब चीज़ सावन में बहुत ज़रूरी है कभी कभी।